हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होती है, शेयर्स किसे कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है, कमोडिटीज क्या है, करेंसी क्या है, बीएससी एनएससी क्या है, सेबी क्या है, सीडीएसएल क्या है, मार्केट किस तरह से काम करती है, सब चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो पार्ट्स में रहेगा। तो आज पहला पार्ट इसका हम लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शेयर मार्केट क्या है? सॉरी फॉर द राइटिंग, मैं राइटिंग पैड इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो मुझे आदत नहीं है इसकी, तो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। सिंपल भाषा में मैं बात करूंगा, कोई टेक्निकल वर्ड्स में नहीं बताऊंगा आपको। तो शेयर मार्केट एक बाजार है जहां पर कुछ लोग अपना सामान बेचते हैं, कुछ लोग पैसे देकर वो सामान खरीदते हैं। दैट्स इट, शेयर मार्केट यही है। तो मार्केट में कौन क्या बेचता है, कैसे बेचता है, उस बारे में देखेंगे हम। एक्चुअली मार्केट दो तरह की है हमारे पास, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है, इसको आप आम भाषा में समझेंगे तो समझिए कि फर्स्ट हैंड मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट है सेकेंड हैंड मार्केट। प्राइमरी मार्केट में एक जो भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कंपनी है, अपना सामान पर्सन को, पब्लिक को बेचती है, फॉर एग्जांपल। सेकेंडरी मार्केट वो है जहां पर पर्सन अपना सामान किसी दूसरे पर्सन को बेचता है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि एक एक्स वाई जेड कंपनी है जो अपना सामान, फॉर एग्जांपल टू व्हीलर, एक टू व्हीलर है जिसको एक पर्सन खरीद रहा है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड कंपनी एक टू व्हीलर एक पर्सन को बेच रही है, यह है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट ये है कि मैं जो पर्सन ए है, जो टू व्हीलर खरीदा है, वो यूज कर लिया, पुरानी हो गई, या जो भी रीजन से वो बेचना चाहता है, तो वो पर्सन दूसरे पर्सन को जो बेचेगा सेकेंड हैंड बाइक, ये है अपनी सेकेंडरी मार्केट। इसको शेयर मार्केट के लैंग्वेज में समझते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में कोई एक्स वाई जेड कंपनीज अपने शेयर्स लाएगी, जिसे हम आईपीओ कहेंगे, जबकि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि कंपनी डायरेक्टली फर्स्ट टाइम आ रही है और अपना आईपीओ इश्यू कर रही है। तो यहाँ पर पब्लिक, जो भी पब्लिक है, वो इसे खरीदेगी। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में जो पब्लिक है, जिसने ये आईपीओ में से शेयर्स खरीदे हैं, वो पब्लिक अपने पास जो भी शेयर्स हैं वो दूसरे पब्लिक को बेचेगी, दूसरे पर्सन को बेचेगी। तो ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो चलिए जानते हैं कि वो सामान क्या है जो यहाँ पर बेचा जा रहा है। तो इसके लिए हमें सेगमेंट्स के बारे में जानना होगा। सेगमेंट्स, तो टोटल मार्केट में चार टाइप्स के सेगमेंट्स हैं। नंबर वन पर है इक्विटी, सेकेंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, थर्ड कमोडिटीज, और फोर्थ आता है करेंसी। इक्विटीज को हम शेयर्स भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है। शेयर्स परसेंटेज ऑफ ओनरशिप को कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि पर्सन ए कोई कंपनी है जो स्टार्ट करना चाहता है। ये कंपनी की टोटल वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन पर्सन ए के पास 50 रुपए हैं। तो ये क्या करेगा, किसी पर्सन बी को अपना पार्टनर बनाएगा और उससे दोनों मिलकर एक कंपनी स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया एक नॉर्मल पार्टनरशिप। लेकिन अभी ये कंपनी है एक एक्स वाई जेड, जो कंपनी है 100 करोड़ की। तो अब ये कंपनी वाला चाहता है
कि मैं अपनी कंपनी को एक्सपेंड करूं, बिजनेस को एक्सपेंड करूं, तो ये और इन्वेस्टमेंट चाहता है। तो ये क्या करेगा, अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराएगा और वहां पर अपने वैल्यू को शेयर्स में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 100 करोड़ हैं, तो वो कितने भी कर सकता है। मैं भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 100 शेयर्स, तो एक शेयर की वैल्यू हो गई 1 करोड़ रुपए। तो ये एक शेयर रखने का मतलब है 1% ऑफ ओनरशिप कंपनी में। तो ये 1% कंपनी की ओनरशिप कि ये इंसान के पास आए जाएगी जो ये एक शेयर खरीदेगा। बचे हुए 3 सेगमेंट्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज और करेंसीज के बारे में। अभी हम आते हैं एक्सचेंजेस पर। एक्सचेंजेस वो जगह है जहां पर ये सब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, शेयर्स बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेजर एक्सचेंजेस शेयर, इक्विटी और शेयर्स के लिए है एनएससी और बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये तो वो जगह हो गई जहां पर ये सब ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब ये ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, तो क्या इंसान खुद वो जगह पर करेगा? नहीं, हमें यहाँ पर एक मिडिल मैन की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम कहेंगे ब्रोकर्स। तो मार्केट में आपको जो भी ट्रांजैक्शन करना होगा, उसके लिए आपको ब्रोकर की जरूरत होती है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो ब्रोकर्स का काम ये है कि वो आपके ट्रांजैक्शन की पूरी जिम्मेदारी रहेगी उनकी, कि ये आदमी ने इस शेयर को बेचा है, इसने इसको पैसे दिया, ये सब जो भी हो रहा है ये ब्रोकर के थ्रू ही होगा। तो मेजर ब्रोकर्स हमारे अब जो मार्केट में है वो है एसबीआई सिक्योरिटीज, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं आपको, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ये फुल टाइम ब्रोकर्स है। डिस्काउंट ब्रोकर में अपना अपस्टॉक्स है, जेरोधा है, एंजल वन है। ये मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि ब्रोकर्स कौन है अभी अवेलेबल। तो चलिए हमारी नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि सीडीएसएल क्या है। सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है। अब ये जो आप शेयर्स खरीद रहे हैं, ये शेयर्स आप कहाँ रखेंगे? ये वो जगह है जहां पर आपके शेयर्स स्टोर होते हैं। सीडीएसएल वो जगह है जहां पर आपके शेयर्स स्टोर होते हैं। यहाँ पर आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। इस अकाउंट में आपके सारे शेयर्स सीडीएसएल के पास रिकॉर्डेड होते हैं। ये सब ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं एनएससी में, बीएससी में, सारे ब्रोकर्स और सीडीएसएल, ये सब के ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए जो सब चेक करे कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वो अथॉरिटी है सेबी। ये इसकी जिम्मेदारी है कि सब पर नजर रखे और सबको चेक करे। तो चलिए इसी पर अब हम अपना वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है, कमोडिटीज क्या है, करेंसीज क्या है, और जो भी दूसरे टॉपिक्स होंगे हम उस पर बेसिक्स पर बात करेंगे। थैंक यू।